अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com, विजिट करें अभी www.rozgarkikhoj.com। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए, असम राइफल की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देगा है। फ्रेंड्स, यदि बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर, तो टोटल 600 से अधिक पदों पर आप सभी के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप सभी ने 10वीं पास कर लिए तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये आपकी पूरे भारत के लिए भर्ती रहने वाली, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी यहां पर आवेदन कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आ चुके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ, जो आप सभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आप सभी के लिए असम राइफल की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के तहत आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट रैली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि बात करेंगे आपकी अप्लाई स्टार्टिंग डेट को लेकर, तो आप सभी 17 फरवरी 2023 से आप सभी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एंड जो आपके वहाँ पर अप्लाई करने की आप सभी की लास्ट डेट रहने वाली, वो आपके 19 मार्च 2023 तक है। आप सभी आवेदन कर पाएंगे। आपकी आप सभी के यहाँ पर जो रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी, आप सभी की 1 मई 2023 को आप सभी के यहाँ पर रैली भर्ती कंडक्ट कराई जाएगी। बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फी को लेकर, तो यदि आप सभी अप्लाई करने वाले यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर ग्रुप बी की आपकी 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। आपके यहाँ पर ग्रुप सी की यहाँ पर आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। यदि फ्रेंड्स आप SC ST या फीमेल या एक्स सर्विस मैन हो, तो आपकी कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। आप सभी यहाँ पर निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे आपकी एज की लिमिट को लेकर, तो आप सभी यहाँ पर 18 से 23 साल तक आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यानी कि जो आपके यहाँ पर मिनिमम एज रहने वाली है, आप सभी के यहाँ पर 18 साल मिनिमम एज रहने वाली है। एम आप सभी के यहाँ पर 23 साल आप सभी के यहाँ पर मैक्सिमम एज रहने वाली है। यदि आपकी एक एज है जो आपकी 1 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच है, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो आपकी एज की काउंटिंग होगी, आप सभी की एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2023 से आप सभी के यहाँ पर एज की काउंटिंग रहने वाली है। यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल का, OBC को 3 साल का यहाँ पर एज मेरिलेक्शन भी मिलने वाला है। इसके अलावा यदि आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, तो आप सभी यहाँ पर 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे। बात करेंगे आपकी हाइट को लेकर, तो यहाँ पर देखिए जो आपकी हाइट रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए। एवं यहाँ पर चेस्ट को लेकर बात कर लेते, तो चेस्ट आपके यहाँ पर 80 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। यदि आप बिलोंग करते हो हील एरिया से, तो हील एरिया के लिए यहाँ पर आपकी जो चेस्ट है वो आपकी 5 सेंटीमीटर कम रहनी चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करेंगे आपके पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर, यानी आपका सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आपका फिजिकल आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपका फिजिकल में यदि आप मेल कैंडिडेट हो कि यहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके लिए 24 मिनट का टाइम मिलने वाले हैं। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की 1600 किलोमीटर की यहाँ पर 1600 मीटर की यहाँ पर रनिंग कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके लिए 8 मिनट 30 सेकेंड का टाइम मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और आपके रिटन एग्जाम के आधार पर एंड आपके स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो आप सभी पर ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए आप सभी अप्लाई करने वाले हो, तो आप सभी के लिए 10वीं, यदि आपने 10वीं पास के लिए प्लस आपका डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर रिलीजियस टीचर की यहाँ पर ट्रेड के लिए, यदि आपने यहाँ पर 10वीं पास के लिए प्लस आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप सभी आवेदन कर पाएंगे। क्लर्क की पोस्ट के लिए यदि आपने 12वीं कक्षा पास आउट की है, साथ ही आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो आप यहाँ पर क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन की पोस्ट के लिए यदि आपने 12वीं पास कर लिया है, तो आप सभी यहां पर आवेदन कर पाएंगे। रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर लिया है प्लस आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपके पास डिप्लोमा है, तो आप सभी यहां पर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी यहां पर पर्सनल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहने वाली, यदि आपने इंटरमीडिएट यानी आपने 12वीं पास कर लिया है, तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पर स्किल टेस्ट भी आपका कंप्यूटर पर कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स आप लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यदि आपने 10वीं पास कर लिया है,
तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यदि आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। यदि आपने 12वीं पास कर लिया है प्लस आपके पास 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है वेटरनरी साइंस से, तभी आप सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी, देखिए यहाँ पर आप कैटेगरी बाई अपनी वैकेंसी को चेकआउट करते हुए चलेंगे कि आपकी किस कैटेगरी के यहाँ पर कितनी नंबर पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आपकी कैटेगरी बाई आपकी वैकेंसी वो आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो अभी आपको क्या करना है, इन वैकेंसी को अपडेट कर दूंगा मैं अपनी वेबसाइट रोजगार की खोज पर। साथ ही जो आपकी यहाँ पर डिटेल क्वालिफिकेशन रहने वाली वो आपको हमारी वेबसाइट रोजगार की खोज पर मिल जाएगी। तो अभी आप सभी को क्या करना है, सिंपली अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सभी को वहाँ पर रोजगार की खोज लिखकर सर्च करना होगा। वहाँ पर आप सभी स्टेट वाइज वैकेंसी साथ ही आपका इसका फुल नोटिफिकेशन भी वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है वहाँ पर आप इसमें डिटेल में भी जानकारी चेकआउट कर पाएंगे। तो भी आपका कोई डाउट बचा हुआ तो आप वहाँ पर अपने जाकर क्लियर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।